हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम यूनिट फोर्थ इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का जो अगला टॉपिक था हमारा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम HPLC बोलते थे। काफ़ी लोगों का कमेंट इस पर आ रहा था कि इस पर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज मैं फाइनली इस पर वीडियो ला रहा हूँ। इस टॉपिक को आज कम्प्लीटली इसे हम यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पहले की टॉपिक जो है, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, इसका नोट्स भी अपलोड कर दिया गया है इन सभी का। ठीक है, यूनिट थर्ड की चाहे बात करें चाहे फोर्थ की, ठीक है, फिफ्थ वाला भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और नोट्स भी। आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं HPLC। ठीक है, तो वेरी सिंपल मैंने नोट्स यहाँ पे बनाया है। तो दोस्तों, पहले आपको HPLC समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी फ्रेंड्स होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का जब हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो मिक्सचर इस कंपाउंड में है, अलग अलग चीज़, जैसे मान लीजिए ए वाले को अलग हम कर रहे हैं, बी वाले कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं, सी वाले को अलग कर रहे हैं, तो जिस टेक्निक से हम इसको कर रहे हैं अलग अलग, तो उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आप पढ़ रहे हैं HPLC। ठीक है, HPLC, बस आपको एक वर्ड यूज करना है कि इसमें जब हम HPLC करेंगे तो हम इसमें हाई प्रेशर यूज करेंगे। ठीक है, HPLC में हम हाई प्रेशर यूज करते हैं किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली लिखा गया है जो HPLC होता है एक एनालिटिकल टेक्निक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होता है उसका हम सेपरेशन जब हाई प्रेशर से करते हैं, हाई प्रेशर का यूज करके करते हैं, तो उसे बोलते हैं HPLC। HPLC को जो यहाँ पे दो नाम से जानते हैं, पहला तो आप जान रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, सेकंड जो हमारा आता है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए बता भी दिया, ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का जब हम सेपरेशन हाई प्रेशर का यूज करके हम करते हैं तो उसी को बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो आपको अगर समझ में आ गया तुरंत आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिए शेयर। तो फिर अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो HPLC है यह ज़्यादातर जो होता है वाइडली जो यूज होता है इंडस्ट्री में यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में यूज होता है, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में यूज होता है, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में यूज होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब फिर अगर अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसे हम HPLC बोलते हैं, इसमें जो होता है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको बेसिकली जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हम मोबाइल फेज यूज करेंगे, ठीक है, वह हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है, जो हमारा लिक्विड मोबाइल फेज रहेगा, यह जो पंप लगा रहता है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि पंप के हेल्प से क्या करते हैं, कॉलम में हम इसको कॉलम में पंप करते हैं। ठीक है, और कॉलम में हमारा क्या भरा रहता है, स्टेनरी फेज भरा रहता है, आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कौन कौन से स्टेनरी फेज यूज होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से मोबाइल फेज यूज होते हैं, ये अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा HPLC है यह मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, और जो अगर अगले हम बात करें तो इसमें जो स्टेनरी फेज होता है, ठीक है, अगर HPLC में जो स्टेनरी फेज होता है इसे हम अगेन अगेन यूज कर सकते हैं, मतलब अगर एक बार यूज किए तो फिर उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह इसकी बहुत ही अच्छी खासियत बात है। ठीक है, और जो हमारा HPLC होता है इसमें हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में जो होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब जल्दी से सेपरेशन हो जाता है इस टेक्निक के हेल्प से, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है, एग्ज़ाम में आता भी है।
आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से एसपीएलसी से मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो हमारा एसपीएलसी होता है इसमें जो हमारा स्टैंडरी फेज होता है स्मॉलर साइज के यूज होंगे, मतलब इस जो हमारे स्मॉलर साइज वाले रहेंगे वही वही स्टैंडरी फेज यूज होंगे और लार्ज साइज वाले नहीं यूज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसपीएलसी की। तो पहला हमारा आता है नॉर्मल फेज एसपीएलसी। नॉर्मल फेज एसपीएलसी जो होता है, नॉर्मल फेज को हम एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है हम जो एनालाइट होता है इसका सेपरेशन हम उसके पोलरिटी के बेस पे करते हैं, ठीक है। उसकी पोलरिटी क्या है उसके बेस पे हम एनालाइट का सेपरेशन करते हैं। और जो इसमें स्टैंडरी फेज यूज होगा, आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉर्मल फेज एसपीएलसी है इसमें जो हमारा स्टैंडरी फेज होगा वह पोलर यूज होगा, और जो हमारा मोबाइल फेज यूज होगा वह हमारा नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो यह इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, जो स्टैंडरी फेज यूज होता है, मैंने अभी बताया था, मैं आगे बताऊंगा कौन स्टैंडरी फेज यूज होता है। स्टैंडरी फेज जो यूज होता है इसमें सिलिका यूज होता है, और मोबाइल फेज के रूप में यूज होता है एक्जीन, मेथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाईएथाइल ईथर और मिक्सचर यूज होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दिस टेक्निक इज यूज फॉर द वाटर सेंसिटिव कंपाउंड जेमेटिकल आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर, क्लास सेपरेशन एंड चीरल कंपाउंड, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है हमारा नॉर्मल फेज एसपीएलसी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो हमारा रिवर्स फेज एसपीएलसी। इसमें जो हमारा स्टैंडरी फेज होगा नॉन पोलर, उसमें क्या होता था नॉर्मल फेज वाले में उसमें हमारा स्टैंडरी फेज पोलर यूज होता था, लेकिन इसमें हमारा स्टैंडरी फेज नॉन पोलर यूज होगा, और मोबाइल फेज हमारा एक्वस हो सकता है या मॉडरेट पोलर हो सकता है, ठीक है। यह जो होता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन पे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। इसमें जो होता है जो रिवर्स फेज एसपीएलसी है यह नॉन पोलर पोलर आयोनाइजेबल एंड आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं साइज एक्सक्लूजन एसपीएलसी, जिसको हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसके जो पहले की जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जो यूनिट 5 में दिया गया है जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारा एक कॉलम रहता है, कॉलम में हमारे स्टैंडरी फेज भरे होते हैं, स्टैंडरी फेज हमारे भरे होते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं सैंपल को यहाँ पे डालते हैं, तो सैंपल जो लार्ज मॉलिक्यूल वाले रहेंगे, ठीक है। इसमें जो सेपरेशन होता है वह साइज के बेस पे होता है, ठीक है, साइज के बेस पे होगा और मॉलिक्यूलर वेट के पे। जो हमारे सबसे बड़े वाले रहेंगे, बड़े साइज वाले पार्टिकल रहेंगे, उनका इल्यूशन सबसे पहले हो जाएगा, उनका इल्यूशन सबसे पहले होगा। और जो स्मॉल साइज वाले रहेंगे सैंपल के पार्टिकल्स, वो उनका इल्यूशन बाद में होगा, ठीक है। उनका इल्यूशन बाद में होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स वाले होते हैं वे क्या होते हैं कि जो हमारे स्टैंडरी फेज होते हैं इसके पोर्स से होकर जाते हैं, जब पोर्स से होकर जाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बना दिया और लिख भी दिया है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो हमारा साइज एक्सक्लूजन एसपीएलसी होता है यह पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज होता है यह टर्शियरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है और एमिनो एसिड का, इन सबको पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अगले टाइप की हम आयन एक्सचेंज एसपीएलसी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जहां आप पढ़े होंगे यूनिट 5 में, तो वहां पे अगर इसको आप देख लेंगे तो आपको वहां पे 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप उसको क्या करिए वहां पे देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको यहां से नोट डाउन कर लीजिए, उसको वहां पे वीडियो देख लीजिए, मैंने बोर्ड पे आपको समझा के बनाया वीडियो एक, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए। अब बात करते हैं बायो अफिनिटी एसपीएलसी की, ठीक है। इसमें सेपरेशन जो होता है रिवर्सिबल इंट्रैक्शन के बेस पे होता है, ठीक है, प्रोटीन विथ लिगंड के,
ठीक है, ये जो यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ SPLC के बारे में। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है इसका क्या होता है, यह जो होता है एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे यह काम करता है। कि यह डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टेनरी फेज है यह किस नेचर का है। ठीक है, अगर जो स्टेनरी फेज हमारा रहेगा, अगर सॉलिड रहेगा, ठीक है, तो अगर स्टेनरी फेज अगर हमारा सॉलिड रहेगा तो एडजॉर्प्शन बेस पे काम करेगा। ठीक है, अगर हमारा जो स्टेनरी फेज होगा अगर लिक्विड होगा तो यह हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन रहेगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन। अब बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में। ठीक है, थ्योरी का जो हमारे SPLC होता है फॉलोइंग प्रिंसिपल पे आपको पता है काम करता है। पहला हमारा आता है एडजॉर्प्शन, सेकंड पार्टीशन पे। जो हमारा SPLC वर्क फॉलोइंग द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाला आप वीडियो देख लीजिए, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो हमारे SPLC होता है यह जो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें जो स्टेनरी फेज होता है सॉलिड यूज होता है, लाइक सिलिका जेल यूज करते हैं, मोबाइल फेज हमारा लिक्विड गैस दोनों यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें से चाहे जो यूज कर सकते हैं। द मोबाइल फेज फ्लो थ्रू द स्टेनरी फेज, जो हमारा मोबाइल फेज होता है यह स्टेनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है और कैरी द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विथ इट, और जो कंपोनेंट होता है उसको कैरी करने का काम करता है। डिफरेंट कंपोनेंट ट्रेवल एट डिफरेंट रेट, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग रेट से फ्लो करते हैं। दस द कंपोनेंट सेपरेट एंड फाउंड डिफरेंट रीजन क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट आइडेंटिफाई एंड क्वांटिटीफाई, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेट से हमारे कंपोनेंट ट्रैवल करते हैं उसी बेस पे उनका क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था हमारा थ्योरी में। अब बात करते हैं आगे हमारा जो आता है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ SPLC। तो इसमें क्या होता है, पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए। ये देखिए हमारा एक होता है मोबाइल फेज, मतलब SPLC सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे एक पंप लगा होता है और यहाँ पे इंजेक्टर होता है जिसमें हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा जुड़ा होता है एक कॉलम, कॉलम में हमारा स्टेनरी फेज भरा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटेक्टर लगा रहता है, जो कॉलम कॉलम में जो हमारा सैंपल आ रहा है, ठीक है, यह फिर जाता है डिटेक्टर पे, डिटेक्टर क्या करता है उस सैंपल को डिटेक्ट करता है, और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको यहाँ पे वेस्ट वाले कंटेनर में चला जाता है, और डाटा कलेक्टर डिवाइस जो होता है यह क्या करता है कि डाटा को कलेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा, क्वांटिफिकेशन यहीं पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक के बारे में, हम देख लेते हैं। पहला हमारा आता है रिजर्वियर सॉल्वेंट, मतलब मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज होता है इसमें हम यूजली जो है ऑर्गेनिक और एक्वस से हम दोनों का यूज़ करते हैं। हम जो हमारा मोबाइल फेज होता है यह एक बॉटल ग्लास के बॉटल में भरा रहता है। ठीक है, जो हमारा मोबाइल फेज होता है इसकी क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए यह अभी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारा मोबाइल फेज होना चाहिए प्योर होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो प्राइस होनी चाहिए इसकी, और कंपेटेबल विद डिटेक्टर। ठीक है, सॉल्विलिटी ऑफ द सैंपल, फिर हमारा केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा SPLC होते हैं, ठीक है, SPLC में क्या होते हैं, एक सॉल्वेंट ए वाला कंटेनर होता है, एक सॉल्वेंट बी वाला कंटेनर होता है। सॉल्वेंट ए वाले में हमारा वाटर रहता है, सॉल्वेंट वी वाले में जो रहता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया क्या क्या यूज होता है। अब बात करते हैं पंप, पंप का यही काम है कि यह जो क्या करता है, जो हमारा सॉल्वेंट मोबाइल फेज है इसको कॉलम में पंप करने का काम करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, पंप इज यूज फॉर द फोर्सिंग द मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम। इस क्या करता है कि पंप जो है यह फोर्स करता है मोबाइल फेज को कॉलम में। ठीक है, इसमें जो है हाई प्रेशर का यूज़ होता है SPLC में, मतलब कि 5000 PCI का प्रेशर यूज़ होता है इसमें पंप में, इसको मोबाइल फेज को पंप करने के लिए। ठीक है, जो फ्लो रेट होता है उसका रेंज होता है 0.1 से 10 ml per minute।
ठीक है। द पम्प शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, हमारा पंप ऐसा होना चाहिए कि वह कैपेबल होना चाहिए कि वह आसानी से जो मोबाइल फेजेस को डिलीवर कर सके, ठीक है। और जो हमारा पंप होता है, दो टाइप का पंप यूज़ होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर पंप, एक कांस्टेंट फ्लो पंप, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पंप में मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर से ही पंप करेगा, एक कांस्टेंट फ्लो रेट से ही पंप करने का काम करता है वाला, ठीक है। फिर अब बात करते हैं सिंपल इंजेक्टर के बारे में, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल इंजेक्टर के बारे में। सिंपल इंजेक्टर क्या होता है कि इसमें जो होता है सिंपल, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल इंजेक्टर में सिंपल को इंजेक्ट किया जाता है, जो हमारा सैंपल दिया रहता है उसको इंजेक्ट यहाँ पे किया जाता है, बस यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप। और फिर बात करते हैं कॉलम की। कॉलम जो होता है हमारा, यह मेनली हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो इसका अगर इसके लेंथ की बात करें हम, 500 से 300 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसका इंटरनल डायमीटर जो होता है 2 से 5 mm होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो कॉलम होता है, ये हमारे कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारे ऐसे स्टेनरी फेस भरे होते हैं, ठीक है, स्टेनरी फेस भरे होते हैं। और इसका जो पार्टिकल साइज होगा, इसका जो स्टेनरी फेस का पार्टिकल साइज होगा, ये हमारा 3 से 10 माइक्रोमीटर तक ही रहेंगे, ठीक है। अगर जो हमारा इंटरनल जो डायमीटर है, ये इंटरनल डायमीटर जो है, अगर लेस देन क्या है 2 mm, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रोबोर बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हम कॉलम यूज करते हैं, पहला हमारा गार्ड कॉलम, दूसरा SPLC कॉलम। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये हमारा देखिए गार्ड कॉलम है, ये हमारा SPLC कॉलम होता है। जो हमारा गार्ड कॉलम होता है, ये 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, और जो हमारा SPLC कॉलम होता है 10 से 30 सेंटीमीटर का होता है। गार्ड कॉलम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गार्ड मतलब सुरक्षा करने का काम करता है, यह क्या करता है, जो इम्प्योरिटी है मोबाइल फेज में उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। और जो हमारा SPLC कॉलम है, इसमें जो हमारा स्टेनरी फेज होता है, स्टेनरी फेज इसमें हाईली प्योर मतलब सिलिका जेल यूज करते हैं, सेल्यूलोज यूज करते हैं, पॉलीमर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही था इसमें कॉलम में। फिर आगे हम बात करते हैं अगला जो हमारा आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है कि ये जो क्या नाम कॉलम से आया है जो, ठीक है, जो भी एनालाइट कॉलम से आया है उसको डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करने का काम करेगा। डिटेक्ट मतलब पहचानने का काम करता है कि कौन सा एनालाइट हमारा आया है, ठीक है। तो SPL से डिटेक्टर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द कॉलम, कॉलम के एंड में, कॉलम के तुरंत बाद हमारा क्या लगा रहता है, डिटेक्टर लगा रहता है। यह क्या करता है, एनालाइट को जो इल्यूट हुआ है कॉलम से उसको पहचानने का काम यही करता है। तो कॉमनली यूज होते हैं इसमें कौन कौन से डिटेक्टर, यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला हमारा आता है यूवी, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है डिटेक्टर के रूप में, फ्लोरोसेंस यूज होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक यूज होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डाटा कलेक्टर डिवाइस। डाटा कलेक्टर डिवाइस जो होता है, यह क्या करता है कि जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल जो डिटेक्टर से मिला है उसको कलेक्ट करके एक चार्ट के रूप में दर्शाने का काम करता है। यही काम है हमारे डाटा कलेक्टर डिवाइस का। अब बात करते हैं SPLC के एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला हमारा आता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल में देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, टू कंट्रोल ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम SPLC का यूज़ करते हैं। टेबलेट डिजोल्यूशन स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, जो टेबलेट का डिजोल्यूशन है, डिजोल्यूशन की जब स्टडी हम करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की, तो उसमें क्या करते हैं, हम SPLC का यूज करते हैं। और क्वालिटी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी SPLC का यूज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में क्या क्या SPLC का यूज है, तो पहला हमारा आता है कि डिडक्शन ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फिनॉलिक कंपाउंड को डिडक्ट करने के लिए हम SPLC का यूज करते हैं। बायो मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूएंट,
जो पॉल्यूएंट है उसको भी डिडक्ट करने का काम हमारा HPLC करता है। ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक। फॉरेंसिक में क्या क्या यूज़ होता है, आप CID देखे होंगे तो उसमें डॉक्टर शाहरुख वाला देखे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला था क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन द बायोलॉजिकल सैंपल। जो हमारा बायोलॉजिकल सैंपल है उसमें जो ड्रग की क्या क्वांटिटी है उसको भी डिटेक्ट करने का काम हमारा HPLC करता है। और स्टेरॉयड जो है ब्लड में जो स्टेरॉयड है, यूरिन में जो स्टेरॉयड है, उन सबको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। आप देखेंगे एथलीट जो होते हैं वे स्टेरॉयड का यूज करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उनके ब्लड में कितना स्टेरॉयड है, यूरिन में कितना स्टेरॉयड है, उसको डिटेक्ट करने के लिए HPLC का यूज करते हैं। और जो इसका यूज़ है HPLC का अगला एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो जो हमारा कोकीन है, कोकीन को डिटरमाइन करने, कोकीन या अदर ड्रग हो गए उनको डिटरमाइन करने के लिए भी हम HPLC का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अगले एप्लीकेशन के फूड एंड फ्लेवर में। ठीक है, यह क्या करता है कि मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर शुगर एनालिसिस इन द फ्रूट जूस। जो फ्रूट जूस होते हैं, ठीक, उसमें कितना वाटर की क्वांटिटी है, कितना शुगर की क्वांटिटी है, उसको भी मेजर करने के लिए हम HPLC का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं अगला जो हमारा एनालिसिस ऑफ द पॉलीसाइक्लिन कंपाउंड इन वेजिटेबल। ठीक है, जो पॉलीसाइक्लिन कंपाउंड है ये वेजिटेबल में कितना है उसको भी एनालिसिस के लिए हम HPLC का यूज करते हैं। और प्रिवेंटिव एनालिसिस के भी लिए हम HPLC का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन इन क्लिनिकल टेस्ट में। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस में, एंटीबायोटिक एनालिसिस में, ठीक है, एंटीबायोटिक एनालिसिस इन ब्लड, ठीक है, कितना एंटीबायोटिक हमारे ब्लड में है उसको भी एनालाइज करने के लिए हम जो है HPLC का यूज करते हैं। फिर हमारा अगला जो आता है एनालिसिस ऑफ द बिलरुबिन। जो बिलरुबिन होता है जिसके कारण पीलिया होता है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, एनालिसिस के लिए हम HPLC का यूज करते हैं। और बिलीविरिडिन जो होता है इन हेपेटिक डिसऑर्डर, इनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं HPLC का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आपके जो इंतज़ार था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे दिया हूँ। तो दो नंबर में पूछे जाते हैं राइट डाउन थ्योरी आप, ठीक है, GC मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी का है, गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC का भी पूछते हैं। ठीक है, HPLC का, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC, ठीक है, इसमें से कोई एक पूछता है। और शॉर्ट नोट ऑन HPLC, जो शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है HPLC के बारे में और गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो यूनिट ए फोर्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतने, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो HPLC ज़्यादा पूछा जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी इसके कंपेयर में कम पूछा जाता है। तो आपको दोनों को पढ़ना है, ज़्यादातर आपको दबा के इसको पढ़ना है HPLC को। तो इतना ही था इस वीडियो में, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और मैं इसका नोट्स आपको जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।